आपका नाम क्या है दादा? लिखा है। अच्छा लिखा है, फिर भी आपसे सुनना चाहते हैं ना। मनोहर। अच्छा कहाँ से? रसवाली। अच्छा किस लिए निकले हो दादा? घूमने के लिए। घूमने के लिए, मतलब आप छत्तीसगढ़ यात्रा कर रहे हो या फिर अपना बस? पूरा छत्तीसगढ़। ये आखिरी पैसे गोला हो गई, 4 साल हो गए। 4 साल हो गया? हाँ। 4 साल से आप घूम रहे हो? 4 साल हर नवमी में निकलता। मतलब अभी कितना समय से हो गया? 4 साल से आप घूम ही रहे हो? हाँ, ये आखिरी चौथा ऐसे बेटल ऐसी। अच्छा दंतेवाड़ा से ऐसे कर। कहाँ से निकले हो आप? ये धमतरी कुरुद। कुरुद से हो? उदरी से हो? हाँ। वहाँ से इधर आए हो? नगरी हो। आपके निकला हुआ मतलब 4 साल हो रहा है घर से निकला नहीं, हुआ? चार से नहीं। हाँ? मैं अभी 5 तारीख के घर ले निकले हम। 5 तारीख से घर से निकले? वो मुड़ा, कभी ये मुड़ा कभी वो मुड़ा, ऐसे वाला। अच्छा साल में कहा। हाँ हाँ हाँ, मतलब 4 साल से ऐसे घूम रहे हो आप, घूमने के लिए निकले हो? हाँ, हाँ। तो अभी कहाँ रुकोगे दादा? अरे वही प्रतीक्षाला देखा था। अच्छा, मेरा भी एक दोस्त है, वो भी यात्रा में निकला हुआ है, मैं भी देखा आपको कि पोस्टर लगा के घूम रहे हो, तो चलो आप भी ऐसी यात्रा में घूम रहे हो शायद बोल के, मतलब रोक के आपसे बात किया। तो नाम दादा, आपका उम्र कितना हो रहा है दादा? 72 उम्र है, सोच सकते हो। हाँ 72 उम्र है और ये निकले हुए हैं मतलब छत्तीसगढ़ यात्रा पे, पूरा छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। तो ये चौथा साल चल रहा है, मतलब हर साल आप निकलते हो? ये आखिरी से मतलब गोला हुई है साल। अच्छा गाड़ी से घुमा दे। अभी मतलब कहाँ कहाँ घूमोगे आप? बस दंतेवाड़ा से उधर से होते हुए आप घर जाओगे? अच्छा डबल नहीं आओ। तो दादा खाना पीने का व्यवस्था आपका? खाना पीना होटल पैसा वगैरह खाना बना ले थोड़ी खाना घर बना। अच्छा चावल वावल पकड़े हो? हाँ बना के लिए खा के। अच्छा ठीक है दादा, आपका उतर मिल ही नहीं है। ठीक है, आपका यात्रा अच्छा रहे, शुभ रहे। ये प्रतीक्षालय मिल ही नहीं। प्रतीक्षालय पानी वाली के यहाँ? हाँ तो पता नहीं दादा, मेरा गांव भी थोड़ा दूर है। एक मिनट मैं ना पूछ के देखता हूँ, ठीक है? 2 मिनट। तो दोस्तों मैं जो है दादा से मिला, बहुत अच्छा लगा दादा से मिल करके। तो इनको अभी ठहरने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है और मुझे भी यहाँ पता नहीं है कि कहाँ रुकना है, तो इनको मैं लेके जा रहा हूँ अपने नानी यहाँ। मैं भी काम साइड से घर जा रहा था, तो क्या है मुझे भी रात हो गया और दादा से मिला और इनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि ये रहने के लिए जगह ढूँढ रहे हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ नानी के यहाँ, रुकूँगा तो इनको भी ले चलूँगा। इनको भी मतलब जगह नहीं मिल रहा है, तो साथ में ठहरेंगे नानी यहाँ। तो बाकी आगे चल के दिखाता हूँ आपको। तो चलो दादा। ओके दादा, साइकिल चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो रेगन में दिक्कत हो गया। अच्छा हाँ ठीक है दादा, धीरे धीरे चलते होंगे। तो दादा अभी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो साइड में जा रहे हैं। तो गाइस वो रहे दादा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो लेके चलूँगा इनको। तो मुझे अच्छा लगा इनसे मिल करके। तो बाकी बातें करते हैं घर पहुँचने के बाद, काफ़ी भीड़ है यार। क्या हो गया दादा, जलेबी या समोसा? जलेबी तक कुछ नहीं खाऊँ यार। नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। खाना नहीं कुछ खाते हैं ना, उतना दूर से आप चला रहे हो, थोड़ा सा नाश्ता पानी हो जाए आपका। दिन भर से साइकिल चला रहे हो? मिर्ची ज्यादा डाल दिए लग रहा है। अच्छा।
मैं हाँ तेरे चार जन लड़का मैं भी छोटे छोटे में रायपुर में ठेला चला हुआ है। हाँ आप जैसे शनिवार गाड़ी मोटर रात को कहाँ रुके थे? वो लोग जो है ताकि अब बताऊ ना डोने के बाद अच्छे से बैठ के बताएंगे। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुका है और दादा के साथ नहा धो लिए। तो अभी दादा को ना रात को पूछा था सवाल जवाब, इससे बातचीत की, इनके बारे में थोड़ा जाने। तो रात को शूट किए थे लेकिन उतना अच्छे से नहीं आ पाया, इसलिए मैं इनको फिर से पूछूंगा फिर आपको दिखाने के लिए, इनका इनके बारे में जानने के लिए गहराई से। तो इनका नाम है मनोहर सिंह ध्रुव और ये रहने वाले हैं कहाँ के दादा आप? परसवानी गुरु थाना तहसील गुरु जिला जिला धनतरी है, पोस्ट सेवी कला है। हाँ तो वहाँ से निकले हुए हैं साइकिल यात्रा से। जिस उम्र में लोग डंडा पकड़ कर चलते हैं और ये निकले हुए हैं साइकिल लेकर के छत्तीसगढ़ यात्रा पे, वो भी साइकिल से। और सबसे बड़ी बात ये है कि और इनका उम्र है कितना दादा आपका उम्र? 51 के जन्म में। हाँ और 22 चला थी। हाँ तो 72 चल रहा है ना? हाँ 71 हो गया है। तो बता रहे हैं 71 उम्र इनका हो चुका है और 72 चल रहा है। तो इतना उम्र में लोग तो गांव से बाहर नहीं निकलते हैं आजकल के, लेकिन आप तो साइकिल से पूरा छत्तीसगढ़ भ्रमण कर रहे हो, बहुत ही गर्व की बात है। जो ऐसे दादा हमको मिले, अच्छा लगा आपसे मिल कर के। और ये दादा जैसे आप जो निकले हो, ये आप बता रहे थे कि 4 साल होने जा रहा है, मतलब ये चौथा बार है आप निकले हुए हो। तो शुरुआत कहाँ से हुआ दादा, मतलब कौन से सन से आप जो यात्रा पे निकले, थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों। 18 में निकले हो? 2018 में वह वो यह एक नाम से निकले हैं खल्लारी माता महासमुंद वाला महासमुंद बल्ले जांजगीर चांपा। कितना दिन के लिए निकले थे 2018? एक हफ्ता माया। एक हफ्ता में? तो एक हफ्ता में कुछ गांव घूमे थे आप? कितना गांव लगभग कागज में है? कागज बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा कागज निकाल लेता हूँ। तो दादा मैं कागज दिए हैं जो जहाँ जहाँ गए हैं पूरा इन्होंने लिस्ट बना रखा है। तो आपको पीडीएफ मतलब दिखा दूंगा स्क्रीन के साइड में। तो 2018 वाला लिस्ट कौन सा है, ये इन्होंने पूरा लिस्ट बना रखा है। करीब इन्होंने 2018 में कितना दादा, एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह में इन्होंने इनका सॉरी 97 गांव तय किया इन्होंने। और इसके बाद 2019 में घूमे। तो 2019 में आप कितने दिनों के लिए निकले दादा? वो भी घूमे ना तो एक ही हफ्ता लगे। एक ही हफ्ता और उम्मीदारी के सब दिखाए रहे। हाँ तो 2019 में भी एक सप्ताह में इन्होंने तय किया था 142 गांव। और उसके बाद आता है 2020 के आखिरी में निकले आपने। हाँ 21 में 20 क्लास 21 में पूरा करे 21 में पूरा किए। तो 7 अक्टूबर से निकले हुए थे आप और 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर होते हुए 2021 तक, मतलब लंबा सफर रहा। हाँ 2020-21 में। हाँ तो तब इन्होंने दादा ने तय किया था करीब 247 गांव जो इन्होंने लिस्ट बना रखा है, पूरा प्रिंट करवा कर रखे हैं दादा। तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो अभी 2022 में अभी तय कर रहे हैं जो इन्होंने लिस्ट जो है इनका एक रफ डायरी है जिस पे ये लिखते जा रहे हैं। करीब इन्होंने अब तक 79 गांव तय कर रखा है अब तक। तो अभी और लिस्ट बनाएंगे तो अभी जो आए हैं 80-81 पहुंच गया होगा, है ना? तो दादा और बता दीजिए, जैसे
अभी यात्रा पे निकले हो, तो जब शुरुआत में निकले 2018 में, तो घर परिवार वाले कुछ नहीं बोले? मतलब आप जो जा रहे हो, जाना खतरा होगा, मतलब मत जाओ इस उम्र में, और साइकिल यात्रा पे उतना बड़ा लंबा सफर आप कैसे तय करोगे, ऐसा कुछ नहीं बोले? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते बोला। हाँ, यहाँ मैं वचन निकल जाना बोला पूरा कर। अच्छा, वो जानते शुरुआत से? हाँ, कि ये हम मतलब बोले जाही, मतलब जाही, जाही मतलब जो बोलते हो आप करके ही दिखाते हो। हाँ, अच्छा, ये है सबसे बड़ी बात, इसीलिए मतलब घर वाले आप पे पूरा विश्वास करते हैं, डर भाग भी रहती है। इसीलिए मतलब ये 4th साल होने जा रहा है जो आप 4th बार छत्तीसगढ़ भ्रमण कर रहे हो, तो हर साल मतलब ऐसे निकलते हो? अभी चौथा भी आखिरी समय बोला हुआ था। मतलब लगभग आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ पूरा घूम ले आप? अच्छा, ये छत्तीसगढ़ के हर एक कोना कोना तक जा चुके हैं, हर गांव तक घूम चुके हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये ही है कि ये हर एक गांव तक घूम रहे हैं। और दादा, आगे भी आना चाहोगे क्या हमारे बस्तर और छत्तीसगढ़ भ्रमण पे, आगे और निकलोगे अगले साल? अब बोला ऊपर वाले जाने में जरूर आओगे दादा, आपको नहीं आओगे अभी? नहीं, वो परमात्मा खास है, माता जी के बुलाव से आ रहा हूँ। एक बार एक कोना देख लो, माता जी दर्शन कर रहे हैं, वैसे घूमा दादा। और आप कुछ बता रहे थे अपना उद्देश्य जो निकले हो आप यात्रा पे, जो यात्रा पे निकलने का आपको इच्छा कहाँ से जगा? मतलब आप यात्रा पे जाऊँ, देश दुनिया देखूँ, ऐसा कैसे आपके मन में आया? उद्देश्य भी वही, घर में परिवार अपना है, बाकी मोर साधारण से कोई नहीं है, यही मोर देश हो, कल दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया घूमो इस शरीर के राहत ले, कोई बैक में कहीं नहीं था, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ने मुझे को, जो दिल खोजो अपनो मुझसे बुरा न खोजो, जब 8 मोर पूछ रहे 22 मोर नाती नतनन है, तो एक हफ्ता रखने का कोई हाउस नहीं है। मतलब आपके घर परिवार है लेकिन आपको प्रेम नहीं मिल रहा? नहीं, इसीलिए। अच्छा, बता रहे हैं कि बहुत बड़ा फैमिली होने के बावजूद भी मतलब इनको मतलब प्रेम नहीं मिल पा रहा है घर में रह रहे के, तो ये मतलब बाहरी दुनिया देखना चाहते हैं। और आप रात को कुछ बता रहे थे जैसे बाहरी दुनिया देखना चाहिए, ऐसा मतलब आपका उद्देश्य कुछ बता रहे थे जब जन्म लिए हैं, तो ये सब कुछ? उद्देश्य वही है, हम जन्म लिए अपना छत्तीसगढ़ में, कम से कम अपन छत्तीसगढ़ ग्राउंड ला हमने देखे थे। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जब हमने जन्म लिया है छत्तीसगढ़ की माटी पर, तो जब हम जन्म लिए हैं तो अपने जन्म स्थल यानी अपना जो जगह है छत्तीसगढ़, अगर हम छत्तीसगढ़ को ही नहीं देखे तो फिर क्या देखे? इसीलिए वो कहते हैं ना, जैसे मेंढक जब तक वहाँ से बाहर नहीं आएगा तो बाहरी दुनिया क्या जाएगा, इसीलिए बाहरी दुनिया पे घूमने की जरूरत है एक मेंढक को। तो ऐसा है दादा का कुछ इतिहास, तो दादा अभी निकले हुए हैं, तो लगभग कितना दिन हो रहा है दादा अभी निकले हुए आपका? 5 तारीख की निकले, 5 तारीख को निकले हुए, और आज है 9 तारीख, तो 4 दिन। हाँ, 4 दिन होने जा रहा है, आज 4th दिन है, आज 4th चल रहा है, 3 दिन हो चुका है, तो उतना लंबा सफर कर चुके हैं ये दादा, इतना उम्र होने के बाद भी इतना खड़े हुए हैं, बस छत्तीसगढ़ यात्रा पे निकले हुए हैं, बहुत गर्व की बात है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दादा को चलने फिरने में और रास्ते में जाते वक्त जो है मैंने देखा कि ठहरने के लिए व्यवस्था की थोड़ा सा दिक्कत होता है जो यात्री हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता है कि कहाँ रुकूं क्या नहीं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर दादा आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो इनको ठहरने के लिए जगह दीजिए, और आपसे जितना हो सकता है इनका सहायता कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ यात्रा पर निकले हुए इतने बड़े उम्र के होने के बाद भी। इस उम्र में तो लोग डंडा पकड़ कर चलते हैं, आप तो साइकिल पकड़ के यात्रा कर रहे हो। शरीर में जो दर्द है, जब तक हम ये दर्द ला महसूस करके चलबो ताकत से अपन हटाबो, तब भी हमें दर्द खत्म हो जाए। घर में हम सूते ऐसे से पिलावा की के तब बोला हम लोग और सूता है। हाँ, और सूते ऐसे ही, यही हमारा उद्देश्य है, हम कब को हम निकलते ना। हाँ,
हम अगले महीने अभी निकले रहे हैं, एकदम जर बुखार और खांसी सर्दी के मारे में पड़े रहे हैं। फलाना दिन डेट बन गए, वो डेट भले कम नहीं करा, कुछ भी हो वो डेट बन गए, मतलब दिन जाना है भाई जाना है। हाँ, एक बार ठान लिए मतलब करना है, मैंने करना ही है, करना जाना अभी ठाने हैं। हाँ, नवरात्रि में जाना 15 तारीख के, चल मतलब आना है, आना ही है तुम्हें दुनिया को। इधर से ना सीधा जाओगे, इसके साथ जाना ठीक है, फिर आपको दिखा देंगे। सीधा जाने के बाद ना लेफ्ट में गिदम रोड, सीधा जीबा का दिखाई दे, ठीक है, ये दिखा देंगे। ठीक है दादा, फिर फोन पे बात होते रहेगा। हाँ, तो मिलेंगे जल्द कभी। हाँ, आपका यात्रा शुभ रहे, दंतेश्वरी माई का दर्शन करो जल्दी से, ठीक है, फिर आप निकलिए, दिखा देंगे गुरु। से अभी मुलाकात, दादा से अभी विदा हो गया, तो उनको जाने देना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, यानी कि मन कर रहा था उनके साथ चले जाऊं, लेकिन क्या करूं, कुछ काम से हूं व्यस्त, तो मजबूरी के कारण नहीं जा सकता। मेरा भी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ भ्रमण पे यात्रा पे निकले, नहीं जा सकता, आगे कोशिश करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे दादा के साथ मुलाकात करेंगे उनके गाँव। तो इस ब्लॉग में नहीं रहेगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, नेटवर्क के साथ में अंदाज में, तब तक ले दीजिए विदा, जय हिंद, वंदे मातरम।